Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and this is my email ID. This time I am going to discuss with you all a new topic, that is guidance services. And in this lecture, I will cover only two services, that is appraisal and information. And prior to this, I have already discussed with you all the concept of counseling and the types and approaches of counseling. Okay. So let's start. Guidance बहुत common ये paper है, तब भी बहुत relevant है और बहुत important भी है, क्योंकि बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं. Guidance counseling का paper B.Ed में भी पढ़ाया जाता है, M.Ed में भी पढ़ाया जाता है, तो अक्सर optional paper के रूप में पढ़ाया जाता है इसको. तो guidance and counseling मतलब teacher का role ही है ना, guidance और counselor का, वो बात दूसरी है. मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं गाइडेंस और काउंसलर का. काउंसलिंग देने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये बात हम लोग कर चुके हैं. फिर भी एक तरीके से निर्देशन और परामर्श देने का काम हर शिक्षक करता है. तो गाइडेंस होता क्या है, किसको कहेंगे आप निर्देशन? तो अगर हम अरबकल की डेफिनेशन पे ध्यान दें, 1966 में ये डेफिनेशन दी गई कि गाइडेंस इज ए कंसेप्ट एज वेल एज ए प्रोसेस. वो कह रहे हैं कि जो निर्देशन है, जो आपका वो एक संप्रत्यय भी है, एक अवधारणा भी है और एक प्रक्रिया भी है. एज अ कंसेप्ट गाइडेंस इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. और अगर हम इसको अवधारणा के रूप में माने तो निर्देशन का अर्थ होता है कि हम व्यक्ति का ऑप्टिमल डेवलपमेंट, मतलब अधिक से अधिक जितना विकास उसका संभव है उससे इसका सरोकार है. एज अ प्रोसेस गाइडेंस हेल्प्स द इंडिविजुअल इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड इन सेल्फ गाइडेंस. और अगर इसको प्रक्रिया के रूप में मानते हैं तो ये जो है वो व्यक्तियों की मदद करता है, उनकी सहायता करता है ताकि वो स्वयं को पहचान सके और स्वयं को परामर्श, गाइडेंस, निर्देशन दे सके. मतलब हम खुद इतने सक्षम हो जाएं कि अपनी समस्याओं को समझ सके और उनके समाधान निकाल सके. क्रो एंड क्रो ने कहा कि गाइडेंस इज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय कॉम्पिटेंट काउंसलर्स टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, डेवलप हिज point of view, make his own decisions, carry his own burdens. मतलब कि जो परामर्श है आपका, सॉरी निर्देशन, गाइडेंस माने निर्देशन और काउंसलिंग माने परामर्श है, तो आप समझ लीजिए अगर इधर उधर कहीं निकल गया मुझसे. तो गाइडेंस का मतलब है कि ये वो असिस्टेंस है, वो सहायता है जो कॉम्पिटेंट काउंसलर्स मतलब दक्ष परामर्शकों द्वारा दिया जाता है. ये सहायता आपको उपलब्ध कराई जाती है जिससे किसी भी उम्र के व्यक्ति खुद अपने जीवन के निर्णय ले सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके, विकसित कर सके अपना दृष्टिकोण, अपने निर्णय ले सके और अपनी बोझ मतलब जो भी उनपे बर्डन इन द सेंस कि जो भी उनके सामने जिम्मेदारियां हैं उसको निभा सके. और गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम एडजस्टेड टू देयर प्रेजेंट सिचुएशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम डेवलपमेंट फॉर देम एंड टू हेल्प देम प्लान फॉर देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, कैपेबिलिटीज एंड नीड्स. वो कह रहे हैं कि जो आपका निर्देशन है वो एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिसमें कि विद्यार्थियों की मदद की जाती है जिससे वो एडजस्ट हो जाए, उनका सामंजस्य अच्छी तरह बैठ जाए, किसके जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके तरफ. जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई नया कोर्स ऑप्ट किया है, किसी नई जगह पे गए हैं, तो वो एडजस्ट हो जाए वहां पे और अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सके और अपने फ्यूचर प्लान को भी बना सके, मतलब भविष्य में क्या करना है. और फ्यूचर प्लान को जब आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी अभी क्षमताओं के हिसाब से, योग्यताओं के हिसाब से और आवश्यकताओं के हिसाब से अगर अपने फ्यूचर प्लान बना सकते हैं तो यही गाइडेंस का रोल है. प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस देखें कि किन सिद्धांतों पर जो है निर्देशन आपका काम करता है. तो सबसे पहला सिद्धांत है हमारा कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो व्यक्ति है, जो गाइडेंस सीकर है, जिसको आप गाइडेंस दे रहे हैं, उसका पूरा विकास होना चाहिए. एप्रिसिएशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड डिग्निटी, ये नहीं है कि उस बच्चे का देखो तो उसको तो कितनी अच्छी अच्छे बढ़िया करियर में इंटरेस्ट है और तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, या उसका तो देखो आई क्यू कितना बढ़िया है, तुम्हारा आई क्यू क्या है, ये हमें नहीं करना है. बिकॉज हम जानते हैं बींग अ टीचर भी और बींग अ लेमैन भी कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग है और हर व्यक्ति की अपनी अलग विशिष्टता है, अपनी विशिष्टता है. वो हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए कि सब एक जैसे हों. तो जो वैयक्तिक अंतर है हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको डिग्निफाइड तरीके से देखना और दिखाना चाहिए. और कंसर्न विद इंडिविजुअल बिहेवियरल प्रोसेस, जो हमको इंडिविजुअल मिला है जिसको हमको गाइडेंस देना है उसके लिए हम कंसर्न होंगे, उसके बिहेवियरल प्रोसेस के लिए. रिलाइज ऑन कोऑपरेशन, सहयोग पर ये निर्भर करता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब हमेशा ही हमको किसी न किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ती है हर रोज. पर्सनल स्फेयर में, एजुकेशनल स्फेयर में, वोकेशनल स्फेयर में हमें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है जो हमें गाइड कर सके, हमें एक्चुअल सिचुएशन बता सके ताकि हम खुद निर्णय ले सके.
फिर अगर गाइडेंस सर्विसेज की बात की जाए, जिसके लिए कि ये वीडियो बनाया गया है आपके कोर्स में है, तो गाइडेंस सर्विसेज का मतलब क्या कि भाई स्कूल में हम गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो गाइडेंस में क्या सर्विस देंगे आप? अप्रेजल हो सकता है। अप्रेजल मतलब कि जो हम किसी को भी कुछ गाइड करने के लिए, हमें ये तो पहले जाना पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति क्या है, वो स्टूडेंट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कितना इंटेलिजेंस रखता है, उसका इंटरेस्ट किस विषय में है, ताकि हम उसको गाइड कर सकें कि तुम फला फला विषय ले सकते हो, किस प्रकार के वोकेशन में उसकी रुचि है, उसकी आवश्यकता क्या है, सब कुछ। तो ये अप्रेजल है, आकलन करना, सही सही आकलन करना। फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब हम आपको सूचना देंगे, किस तरीके की सूचना, ये इस वीडियो में मैंने ये ऊपर की दो सर्विसेज कवर की हैं, नीचे की तीन सर्विसेज के लिए नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर किया जाएगा। तो अप्रेजल मतलब हम पहले समस्या का, सिचुएशन का, व्यक्ति का आकलन करेंगे, फिर उसको सही सूचना देंगे। तो सूचना हम तीन स्फीयर में उसको देंगे, तीन क्षेत्रों में, पहली की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फिर वोकेशनल इंफॉर्मेशन, फिर पर्सनल या सोशल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको शैक्षिक सूचना सही मिले, आपको व्यावसायिक सूचना सही प्रदान की जाए, और आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है उसके बारे में भी आपको सही सूचना दें, ये इंफॉर्मेशन सर्विस का काम है। फिर प्लेसमेंट सर्विस, हमने अप्रेजल कर लिया आपका, पता चल गया हमको कि आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर हम आपके प्लेसमेंट भी तो देंगे कि आपको कहाँ प्लेस किया जाए, कौन सा वोकेशन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सा कोर्स है जिसको आप चुन सकते हैं। फिर काउंसलिंग सर्विसेज, जब गाइडेंस स्पेशल हो जाता है तो वो काउंसलिंग हो जाती है, आप जानते हैं। और फिर फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज, यानी कि आपने उनको प्लेस कर दिया, आपने उनको इन्फॉर्मेशन लेके अप्रेजल करके सब बता दिया, तो फिर हम पुनः देखेंगे भी तो ना कि जो आपने प्लेसमेंट दिया उसको, जो आपने उसको सजेशन दिया और उसने उसको मान भी लिया, तो वो उसके लिए सही है कि नहीं, उसका फॉलो अप करना, उसको इवेल्युएट करना कि हाँ आपने बेहतर प्लेसमेंट बताया, आपने सही आकलन किया, इसके लिए फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज देखी जाती है। तो पहली दो सर्विसेज की बात हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अप्रेजल सर्विसेज या आकलन सेवा। तो दिस सर्विस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट और इंडिविजुअल। यानी कि ये सर्विस है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि संग्रहण किया जाए, ऑर्गेनाइज यानी संगठित किया जाए, अरेंज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, और इंटरप्रिटेशन किया जाए मतलब अर्थ निकाला जाए, ऑब्जेक्टिव डेटा यानी कि व्यक्ति के लिए आपने जो डेटा एकत्रित किया है ऑब्जेक्टिवली, यानी कि आपने उसमें अपना कोई बायस नहीं डाला है, उस डेटा को आप कलेक्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए, अरेंज करिए, एनालाइज कीजिए और इंटरप्रिट कीजिए, किसके लिए, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट और इंडिविजुअल। जो व्यक्ति या आपका क्लाइंट है उसका बेहतर चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो सके, उसके लिए आप ऐसा कीजिए। द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द क्लाइंट हुम द गाइडेंस प्रोग्राम इज डिजाइंड टू हेल्प कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, और हम किस प्रकार से उसको ये उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब उसका अप्रेजल कैसे कैसे कर सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन करके, उसका प्रेक्षण करके, टेस्टिंग, आप उस पर कुछ टेस्ट लगा सकते हैं, उससे इंटरव्यूज दे सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसीजर दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्टिव पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रेजल सर्विस को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि ये वो प्रक्रिया है जो ये जानना चाहती है कि व्यक्ति का डिस्टिंक्ट पिक्चर निकालना, कि व्यक्ति एक्चुअली है क्या, क्या गुण दोष उसमें है, तभी आप उसको कोई भी गाइडेंस दे पाएंगे। फिर अ बेसिक अजम्पशन ऑफ द अप्रेजल सर्विस इज दैट पीपल आर अलाइक एंड इन मेनी अदर एस्पेक्ट्स डिफरेंट। और इसकी एक मूलभूत मान्यता ये भी है कि वो ये मानता है कि लोग एक जैसे होते हैं, मतलब कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं होती हैं, मतलब हम कई लोगों से कई मामलों में समान भी होंगे, पर हम चूंकि विशिष्ट हैं, अलग हैं, इसलिए भिन्न भी होंगे। द एम ऑफ अप्रेजिंग पीपल इज टू हाईलाइट द यूनिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम। और आकलन का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो व्यक्ति की विशिष्टता है वो हम उसको बता पाए कि तुम में ये विशिष्ट है, तुम इस काम में अच्छा कर सकते हो। सेकेंड एम इज टू शो हाउ पीपल आर सिमिलर। और दूसरा उद्देश्य इसका ये भी है कि वो ये भी बताता है कि लोग कैसे एक दूसरे से समान होते हैं। Another major aim of the appraisal service is to assist people to understand themselves and make wise and useful decisions. और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आपको मैंने कि जो आपका क्लाइंट है, जो आप जिसको जिसका कि आप आकलन करने जा रहे हैं, उसको आप थोड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, उसको मदद कर दीजिए ताकि वो समझ पाए अपने बारे में कि वो उसका गुण दोष क्या है, उसकी किस में रुचि। अक्सर हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा बेंट ऑफ माइंड किधर है, हमको किस में इंटरेस्ट है, वी डोंट नो इवन। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव लिटिल आइडिया अबाउट देयर पर्सनैलिटी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से विद्यार्थियों को बहुत कम ज्ञान होता है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उन्हें पता नहीं होता कि वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि एम्बीवर्ट है कि क्या चाहते हैं, वो नहीं जानते अपने बारे में, क्योंकि हम लोग कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन करते ही नहीं है शायद। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि कोई और कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके से करके हमें बता दे कि हम किस में अच्छे हैं और किस में एक्सेल कर सकते हैं।
फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रेजल सर्विसेज, अगर हम इसका देखें कि कौन से सिद्धांतों पर ये सर्विस बेस्ड है, तो अप्रेजल शुड बी अंडरटेकन फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आप इसलिए आकलन करेंगे ताकि आप उसकी मदद कर पाए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सेम अमाउंट और द सेम डिग्री और नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, मतलब ये कतई आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थियों का एक ही समय पे सब एक ही डिग्री के साथ आवश्यक रूप से अप्रेजल किया जाएगा। नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। There is no single test application or procedure for use in every situation. और ये भी कभी नहीं होगा कि हर स्थिति में हम same test लगाएंगे आपके ऊपर। जो situation की मांग होगी वो लगाया जाएगा। Appraisal practices involve the study of both individuals and their environment. और इन services में व्यक्ति के साथ साथ उस वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें वो व्यक्ति रहता है। तभी आप बता पाएंगे ना उसको किस वातावरण के हिसाब से क्या चीज suitable है। फिर अप्रेजल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स शुड बी कॉन्करेंट एंड नॉट डिस्क्रीट सीक्वेंशियल ऑपरेशंस, यानी कि जब आप जिसका आकलन कर रहे हैं उसके मतलब साथ ही आप उसको बता देंगे कि आप में ये अच्छा है, ये बुरा है, आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि अप्रेजल आज किया और आप उसको सजेशन 2 साल बाद दे रहे हैं या थोड़े समय अंतराल के बाद दे रहे हैं, बिकॉज लाइकिंग्स चेंज भी होती है, है ना। तो आपको साइमल्टेनियसली बताना है, कॉन्करेंट होना चाहिए दोनों। The fundamental purpose of engaging in collecting appraisal data is to increase self-understanding and wise decision. Oh, decision दो बार हो गया। Wise decision making. इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम डेटा आपके लिए कलेक्ट करेंगे, आपका अप्रेजल करके आपको बताएंगे, जिससे आपकी स्वयं के लिए समझ बढ़ सके। एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली सेफ गार्डेड, मतलब ये डेटा जो आपने एकत्रित किया है सब उस व्यक्ति के बारे में नख शिख तक आप परिचित हो गए तो उस डेटा का कोई मिस यूज नहीं हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। वो डेटा सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर अप्रेजल सर्विस, यानी अप्रेजल सर्विस आप देने जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी टेक्निक लगाएंगे आंकड़ों के संग्रहण के लिए। तो टेस्ट टेक्निक हो सकता है और नॉन टेस्ट टेक्निक, यानी कि स्टैंडर्डाइज तरीके से आप कर सकते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज तरीके से भी। तो टेस्ट टेक्निक में क्या होगा, दीज कंप्राइज स्टैंडर्डाइज टेस्ट, है ना। टेस्ट टेक्निक का मतलब यही है कि टेस्ट लगाना का मतलब ये नहीं कि कोई भी टेस्ट लगाना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाना। तो स्टैंडर्डाइज जनरली स्टैंडर्डाइज और टीचर मेड टेस्ट भी हो सकता है। तो श्रेडजर एंड स्टोन ने कहा कि मोस्ट अथॉरिटीज डिफाइन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि किसको आप कहेंगे कि ये मानकीकृत परीक्षण है। वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्टिव सैंपल ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष की अगर आपने व्यक्ति वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका सैंपल ले लिया है तो वही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। द टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर नॉट लिमिटेड टू द एग्जामिनर्स ओन जजमेंट। But any examiner can use the same methods to administer the test, score, interpret and arrive at the same interpretation. वो कह रहे हैं कि आप उस टेस्ट को मानकीकृत कहेंगे जिसमें एग्जामिनर ये जो टेस्ट ले रहा है उसका अपना निर्णय नहीं चलेगा कि हमारा मन करेगा तो हम 10 में 2 देंगे, नहीं तो हम 10 में 5 देंगे। उसमें जो भी वो टेस्ट है उसका प्रशासन, यानी कि कैसे आप दूसरे पर लगाएंगे, उसका अंकन, कितने आप अंक देंगे, और उसका इंटरप्रिटेशन, सब कुछ यूनिवर्सल होता है, सब कुछ समान होता है। दुनिया में कोई भी उस टेस्ट को लगाएगा तो उसी तरीके से लगाएगा और वैसे ही इंटरप्रिटेशन करेगा। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट का तरीका। और टीचर मेड तो हम बना लिए, हमने अपना ऑप्शनल है, हमने क्या रखा है क्या नहीं रखा है, किसको प्रधानता दी है, कितने नंबर का बनाया है, सब टीचर में टेस्ट में, सब टीचर पर डिपेंड करता है। और नॉन टेस्ट टेक्निक भी है जिससे आप अप्रेजल कर सकते हैं, जैसे कि ये जनरली क्वालिटेटिव बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपने ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, आपने देखा उसको, ऑब्जर्व किया, आपने उसके इंटरव्यूज लिया, आपने रेटिंग स्केल भरवाया उससे, आपने सोशियोग्राम का अध्ययन किया, एनेक्डोट देखे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो इन सब से भी आप व्यक्ति के बारे में पता चला सकते हैं। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्डाइज तरीके हैं और इनसे क्वालिटेटिव डेटा निकलता है। और दूसरी सर्विस जो यहाँ कवर कर रही हूँ मैं, वो इंफॉर्मेशन सर्विस है, यानी सूचना देना। गाइडेंस का एक काम ये भी है कि हमको सूचना सेवा, हम आपको सूचना देंगे। दीज सर्विसेज एड्रेस द इंडिविजुअल्स नीड फॉर ऑथेंटिक, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड यूजेबल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति आपका क्या है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका स्टूडेंट है, उसको आवश्यकता है कि उसको ऑथेंटिक यानी सही, रिलायबल यानी विश्वसनीय, ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ और यूजेबल माने उसके काम की, उसके उपयोग की सूचना मिलनी चाहिए, जिससे कि वो सही, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, रियलिस्टिक यानी यथार्थ से परिपूर्ण निर्णय ले सके एट वन टाइम और द अदर फॉर द एक्चुअलाइजेशन ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री एंड फुलफिल्ड लाइफ, यानी कि जिससे वो एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सके, एक परिपूर्ण जीवन जी सके। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द इंटीग्रेटेड एफर्ट ऑफ ए टीचर, काउंसलर एंड अ करियर टीचर, यानी कि इसके लिए टीचर मदद कर सकता है। काउंसलर होगा, वो कहेगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, आपका करियर टीचर आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस इज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज एट वेरियस लेवल्स। तो ये सर्विस का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपको शैक्षिक और व्यावसायिक
अवसर कब, किस अवसर मौके पे, किस स्तर पे, कौन से काम आएंगे आपको बताया जाए, आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारी दी जाए, आपको कौन कौन सी ऑक्यूपेशन आपके पढ़ने के बाद आपको मिल सकती है वो बताया जाए. दिस हेल्प द स्टूडेंट टू बी अवेयर ऑफ द ऑप्शन ओपन टू देम कंसर्निंग ए पर्टिकुलर कोर्स और सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द अबव एरियाज. यानी कि किसी भी एरिया में वो बच्चा पढ़ रहा हो अगर उसको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी तो उसको पता चल पाएगा कि कौन से लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं जिनके लिए वो तैयार हो रहा है. Further, the student is also exposed to the world of work, the nature and pattern of work and the skills required for performing the work. और vocational information में आप उसको ये बताएंगे कि किस job में किस तरीके की requirement है, कैसा उसको work culture follow करना होगा, तो ये सारी बातें उसको information service से ही पता चलती हैं. तो अगर हम इसके देखें कितने प्रकार के होते हैं, तो दो हम लोग ने मोटा मोटा बात करी ली, educational और vocational. फिर तीन तरीके की होती है information service. जो गाइडेंस वर्कर है वो तीन तरीके की सूचना आपको देता है, शैक्षिक, व्यावसायिक और आपकी व्यक्तिगत या सामाजिक. तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में क्या मिलेगा आपको, ये डिफाइन किया गया है कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ये वैलिड और यूजेबल डेटा होगा अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोबेबल फ्यूचर एजुकेशनल और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग करिकुलम एंड नॉन करिकुलम ऑफरिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग. अच्छा ये दो बार हो गया. रिक्वायरमेंट्स फॉर एंट्रेंस एंड रेगुलेशंस फॉर स्टूडेंट्स लाइक. यानी कि आप एजुकेशन इंफॉर्मेशन का मतलब कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स या करिकुलम पढ़ लीजिए या इसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा करिकुलम के रूप में, करिकुलम के बाहर को करिकुलर ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में बताई जाएंगी. उसी तरीके से वोकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या बताया जाएगा कि कौन से ऑक्यूपेशन के लिए आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप किस व्यवसाय में जा सकते हैं, कौन सी पोजीशन है, कहाँ उनकी, कब उनकी क्या रिक्वायरमेंट आती है, कब उसमें वैकेंसी आती है, उसके लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन में दी जाती है. और पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू नोरिस एट अल पर्सनल सोशल इन्फॉर्मेशन इज वैलिड एंड यूजेबल डेटा अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ ह्यूमन फिजिकल एनवायरनमेंट विच बियर ऑन पर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस. इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आपका वातावरण, आप जिस वातावरण में रहते हैं उसके बारे में, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, लोगों से जो हमारे रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो बेहतर हो सके, ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड हेल्प इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर एंड देयर बाय इंप्रूव हाउ दे रिलेट विद अदर्स. यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमको बताती है हम खुद को बेहतर समझ सकें ताकि जो दूसरों के संग हमारे रिलेशनशिप है वो भी बेहतर हो सके, सुधर सके. तो ये हो गई इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी कि तीन तरीके की मेनली हो गई, एजुकेशनल, वोकेशनल बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्सनल सोशल भी कभी कभी देनी पड़ती है. और इसका उद्देश्य क्या है इंफॉर्मेशन सर्विस का, टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द नेसेसरी ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन. यानी कि व्यावसायिक और शैक्षिक जो सूचना के प्रति बच्चों में, विद्यार्थियों में अवेयरनेस जनरेट करना, टू डेवलप अ ब्रॉड एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरियस एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज. यानी कि बहुत तरीके के शैक्षिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक अवसरों के लिए बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना. और टू हेल्प द स्टूडेंट ऑब्टेन एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन ही और शी नीड्स इन मेकिंग स्पेसिफिक प्लान्स फॉर हिज और हर फ्यूचर करियर. और जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, स्टूडेंट है आपका, उसके फ्यूचर करियर के लिए उसको सही सूचना प्रदान करना ताकि वो सही अर्थ निकाल पाए, सही इंटरप्रिटेशन कर पाए कि वो कहां जा सकता है. दिस सर्विस नीड्स टू बी मोर एम्फसाइज्ड एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल. जनरली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पर इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि वहाँ बच्चा कोर्स चुनता है, वहाँ उसको कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जाना होता है. प्राइमरी लेवल में तो सभी बच्चे सारे पढ़ाई पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे है. सच इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड डिसमिनेटेड बाई द गाइडेंस वर्कर इन द फॉर्म ऑफ करियर टॉक्स, कॉन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा. और जो आपका गाइडेंस वर्कर है वो कब बताएगा आपको ये सूचनाएं, कहाँ से आप ये सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, करियर टॉक्स कराई जाती हैं ताकि पता चल सके कि ये अगर आप में गुण हैं तो आप यहाँ चले जाइए, ये आपके लिए बेहतर सूटेबल जॉब है, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ये बातें बताई जाती हैं. तो देखिए गाइडेंस सर्विसेज है बहुत आसान, कोई इसमें ऐसा टिपिकल टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सही चीज पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप इधर उधर की बातें लिखेंगे जो कि आपका और एग्जामिनर दोनों का टाइम बर्बाद करती है. तो गाइडेंस यानी कि आपको हमको बताना है कि आप क्या हैं और क्या चुन सकते हैं. और तीन मुख्य सर्विसेज हैं, मतलब सर्विसेज तो कई सारी हैं, अप्रेजल, इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट या प्लानिंग, काउंसलिंग और फॉलोअप. लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ अप्रेजल और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. अप्रेजल का मतलब कि सही चित्र आपका हम बता दें, चाहे टेस्ट करके चाहे नॉन टेस्ट टेक्निक से, पर हम बता दें कि आप क्या हैं ताकि आप अपने बारे में निर्णय लेने में आपको सब सरलता हो. देन गाइडेंस सर्विसेज, सॉरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये मेनली तीन तरीके की है, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल.
तीनों के अपने अपने लॉजिक है, रैशनल है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में हमको ये पता चलेगा हम कौन कौन से कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, वोकेशनल में ये पता चलेगा कि हम पर्टिकुलर कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, और पर्सनल में ये पता चलेगा कि हम क्या हैं वाकई एक्चुअली, ताकि हम अपने से हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे बेहतर रिश्ते हम बना सकें। ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड टू सर्विसेज ऑफ गाइडेंस एंड थ्री आर रिमेनिंग एंड आई विल कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.